एलिफ। नानी जान, क्या हुआ है? ये क्या है? कुछ नहीं। किसकी है ये? मैं पूछ रही हूं, किसकी है ये? आजाद शादुलों की। क्या? मैं जब गुस्सा होकर घर से गई थी तो मैंने उसे हमारी पीछे वाली गली में देखा था। ये रिंग वहां फेंकी थी उसने। तो उसको छुपा के क्यों रखा हुआ है? फेंकी क्यों नहीं? वो असल में मैंने सोचा कि ये अंगूठी बहुत खास है। एलिफ, इसको छुपा के क्या साबित करना चाहती हो? आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। मुझे समझ नहीं आता आप मुझ पे यकीन क्यों नहीं कर रही। कोनल आपकी जो मर्जी करे, जहाँ मर्जी जाए, आजाद से मिले, उनको कोई कुछ नहीं कहता। सबकी नजर में मैं ही गुनहगार हूँ, है ना नानी जान? गोनल आजाद से जाके मिली थी? खुदा के लिए ये सब बातें आप गोनल आपी को मत बताइएगा, वरना वो मुझे गलत समझेंगी। वैसे भी वो बहुत परेशान रहती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, कुछ मत कहिएगा उनसे। प्यार करता हूँ मैं तुमसे, लेकिन ये प्यार बस उतना ही है जितना एक कजन से किया जा सकता है। मुझे दादी जान ने जो कहा मैंने हमेशा वही किया। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें दुख पहुंचे, जरा सा भी नहीं। दादी जान, आजाद से मिली थी तुम? तो एलिफ ने आपको बता दिया? हाँ, मिली थी मैं। सबब? ताकि वो रियान को ले जाए, इसीलिए मैं उसको अपने साथ लेके गई थी। दुश्मनों से मदद तलब की तुमने? हाँ, ली मदद, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैं मजबूर थी, क्योंकि जब मीरान उस लड़की को यहाँ पे लेकर आया था तो आपने कहा था कि मीरान जो भी कर रहा है सही कर रहा है, इसलिए कि आप उसे यहाँ से भेज नहीं सकती थी। मुझ पर यकीन नहीं है? तुमने मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया। भरोसा? और आप पर? क्या बात कर रही हैं दादी जान, आज तक आपने जो कहा मैंने किया? नहीं बेटी, तुमने हमेशा वही काम किया जिससे मैं मना करती रही। हाँ, हमेशा से मैं ही गलत हूँ, लेकिन इसकी वजह आप हैं दादी जान। मैं कितनी दफा मौत के मुंह से वापस आई हूँ, मैं जो मर्जी कर लूं, मेरी तो आपको परवाह ही नहीं है। आपने मुझे अकेला छोड़ दिया, तो फिर मैंने भी वही किया जो मुझे ठीक लगा। काश आपने मुझे भी उतना ही प्यार किया होता जितना आपने मीरान और एलिफ को किया है। बैठो, बैठ जाओ। कैसे मुमकिन है तुम्हें प्यार ना करूं? तुम मेरी जान का टुकड़ा हो, मेरी बच्ची पोती हो तुम, मेरी कदर और कीमत हो मेरी, मेरी बेटी की अमानत हो तुम। अगर मुझसे प्यार करती तो क्यों हॉस्पिटल में देखने नहीं आई? मर रही थी मैं वहां। क्योंकि मैं जानती थी तुम्हें कुछ नहीं होगा, पर हाँ थोड़ा गुस्सा भी था। इंसान कैसे खुद को नुकसान पहुंचा सकता है? असलान भी खानदान से ऐसी बेवकूफी की उम्मीद नहीं। देखो बेटी, खानदान में एक दूसरे पर यकीन करना बहुत जरूरी है, हमें भी यकीन करना चाहिए एक दूसरे पर। अगर तुम मुझ पर भरोसा रखती तो ये सब कुछ हरगिज ना होता। अगर सब लोग अपने दिल की मान के चलेंगे तो सारा खानदान टूट जाएगा। टूट चुके हैं दादी जान, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। अब भी मुझ पर यकीन नहीं है ना तुम्हें? ऐसी बात नहीं है, यकीन करती हूं। अगर तुम मुझ पे यकीन रखती हो
तो आज के बाद वही करोगी जो मैं कहूंगी। अगर वही करोगी तो कभी परेशान नहीं होगी। ये अजीजा असलान बेग का वादा है तुमसे। कहाँ जाना है कुछ बताओ तो सही मुझे। थोड़ा और सीधा, उसके बाद मुड़ जाना आगे से। यहां क्यों लाई हो तुम मुझे? तुम यह समझाना चाहते हो ना कि कागजात तुमने नहीं भेजे थे? हवेली हमारे पास रहे या नहीं, उससे हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं बदलेगा मीरान, समझ जाओ। वहां देखो, कुछ नजर आ रहा है? इसी जगह। रियान, ऐसा मत करो प्लीज। हमारा मसला यहां से शुरू हुआ था मीरान। उस घर को दोबारा बनवा सकते हो क्या? क्या गुजरा वक्त वापस ला सकते हो तुम मीरान? इसी जगह। नहीं, काश उस दिन तुम एक दफा मुड़कर देख लेते मीरान। रियान, मैं तुम्हें तुम नहीं, आज सिर्फ मैं बोलूंगी। प्लीज रियान, प्लीज मेरी बात सुनो। तुम्हें यहां इसलिए लाई हूं ताकि उस दिन जो हुआ वो देख सको तुम। और जानते हो, जब तुम यहां से चले गए थे तो भी मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। लगता था कि तुम आ जाओगे, वापस आओगे। मैं खुद को समझाती रही थी उस दिन, उससे गलती हो गई है, मगर वो वापस आएगा, नहीं जा सकता वो। मेरा कितनी देर मैं तुम्हारे इंतजार में जमीन पर पड़ी रही। तुम नहीं आए, नहीं आए तुम, नहीं आए। अगर मैं वापस आता
तो माफ कर देती मुझे। हाँ कर देती, लेकिन मैं वापस लौट तो आया रियान, तब तक देर हो चुकी थी। तुम पर इतना यकीन था ना मुझे वीरान, तुम्हें एक पहाड़ समझती थी मैं, हमेशा मेरे साथ रहेगा, मेरी हिफाजत करेगा। बाबा के बाद अगर किसी पर यकीन किया तो वो तुम थे मीरान, लेकिन तुमने मुझे ये सिखाया कि किसी पर भी यकीन नहीं करना। यहां सब कुछ खत्म हो गया था जब मुझे छोड़कर गए थे तुम, खुद जला दिया था मैंने, यहां की हर एक चीज जला दी थी मैंने। और इस जगह की ही तरह हम भी बर्बाद हो गए हैं। हम दोनों की हालत भी इस जगह की तरह है। तबा मुझे बताओ मैं क्या करूं रेहान, कैसे सब ठीक करूं, बताओ मुझे प्लीज। मेरी जिंदगी से चले जाओ, क्योंकि अब मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं कर पाऊंगी। नहीं जा सकता, कभी भी नहीं। उस दिन जैसे तुम मुझे अकेला छोड़कर गए थे ना मीरान, आज भी वही होगा। नहीं जा सकता, तुमसे दूर कहीं नहीं जा पाऊंगा। हाँ, क्योंकि मैं जाऊंगी। रियान रियान, ऐसा मत करो रियान, हमारे साथ ऐसा मत करो प्लीज। मीरान पीछे पलट कर मत देखना बिल्कुल भी, हमने अपना इंतकाम ले लिया, खेल खत्म। हमारे साथ ऐसा मत करो प्लीज। और मैं कभी जुदा नहीं हो सकते रेहान,